शिट यार भाई, सीन हो गया यार, सीन हो गया बिना मतलब के यार, आज मतलब खराब है बस। सुबह 600 किलो लिया हो गई। और तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ सीन? ओ रियली तो कहाँ पे रहता भाई तू? हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? भाई आज ना यार मैं कर रहा हूँ अपने घर की शिफ्टिंग। मैंने यार आपको अभी तक बताया नहीं, सीक्रेट है इसके पीछे क्यों घर की शिफ्टिंग कर रहा हूँ, बताऊंगा अगले वाले व्लॉग में। तब तक यार इधर देखो, इधर आ रहा था भाई मेरा दोस्त आयुष, जिसने भाई पूरे सारे कपड़े पैक कर दिए, बहुत हेल्प करी इस लड़के ने। और इधर है भाई शिव भाई, और शिव भाई ने भी यार बहुत हेल्प कर रहे हैं, शिव भाई भी। और ऐसी यार ये दोनों भाई मेरी हेल्प करवा रहे हैं अभी भाई। और उसके बाद ना कल मेन शिफ्टिंग होगी। वैसे आज मतलब कि थोड़ा सा ऐसे ही सामान रख रहे हैं जगह पे, मतलब पैक कर रहे हैं एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो पैक कर रहे हैं सारा सामान, और फिर कल लेकर जाएंगे भाई यहाँ से, देखते हैं। अभी वैसे ना हमने गाड़ी सर्च करी थी यार, गाड़ी मतलब कि शिफ्टिंग करने वाली गाड़ी ना सर्च करी थी, कितने की है, कहाँ से मिलेगी, तो अभी ना हमें ना मिली नहीं यार एक्चुअली। तो देखते हैं कल ना क्या होता भाई, किसमें शिफ्ट करते हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन फिलहाल एक बारी के लिए सारा सामान रख दे, पैक कर दे, और उसके बाद फिर कल करेंगे भाई शिफ्टिंग। इधर चल रही है भाई जोरों शोरों से भाई, और सामान पूरा फैला पड़ा यार, पूरे घर का सामान फैला पड़ा, ये देख सकते हो आप। चलो कोई नहीं यार, जल्दी जल्दी करते हैं पैक, और फिर उसके बाद कल करेंगे भाई शिफ्टिंग पूरे घर की। तो भाई पैकिंग करते करते ना, सामान पैक करते करते टाइम हो गया था 3 घंटे, तीन चार घंटे हो गए थे आई थिंक, है ना। और भाई और क्या तो भाई हाँ, तो यार 4 घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट ना, सारा सामान पैक कर दिया। देखो इधर की तरफ जो रैक्स थे ना वो सारे इधर रख दिए हैं, इधर की तरफ तो वैसे सामान अभी फैला पड़ा है यार, और इधर की तरफ बैग्स में सामान भर दिया है, इधर भी बहुत कुछ रख दिया है, मतलब ऑलमोस्ट ना सारा सामान हो चुका है। बाकी कल जब गाड़ी आएगी तभी पता चलेगा कैसे सामान मतलब कि मैनेज करना है, कैसे गाड़ी के अंदर रखना है। तो आज के लिए तो भाई इतना ही था, बाकी कल सुबह उठते हैं फिर देखते हैं कि क्या कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। ओके भाई फिर मिलते हैं आपको कल। तो भाई रात में ना हमने ऑलमोस्ट पैक कर दिया था सामान, आपने देखा ही था। तो भाई आज अभी ना नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है, टाइम हो गया है 8:53, और शोभित भी ऑलमोस्ट ना पहुंचने वाला है, भैया भी आ रहे हैं, बाकी आयुष देखो इधर की तरफ सो रहा है। तो भाई शोभित आने वाला है और फिर उसके बाद करेंगे हम मेन शिफ्टिंग स्टार्ट। तो बस शोभित का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है वैसे ही सामान यहाँ से उठा के नीचे गाड़ी में पहुँचाना शुरू करेंगे। तो वेट करते हैं यार शोभित का थोड़ा सा बस। तो भाई नीचे ना शोभित पहुंच गया है, और वो कह रहा है यार सामान लेके आ जाओ नीचे, गाड़ी लेके वो ऑलमोस्ट पहुंच गया। और तो फिर यार ये सारा सामान हम लेके चलते हैं, क्यों भाई? चलो भाई। तो चलो फिर यार ये सारे सूटकेस लेकर चलते हैं पहले भाई। ला भाई ला। तो भाई पहले ये लेके चलते, पहले आ जा यही लेके चलते। मॉडलिंग नहीं चल रही, जल्दी आ जा, आराम से आ रहा है जैसे फ्लाइट में चढ़ने के लिए जा रहा है। ओवर हो गया, ओवर नहीं हुआ, क्रॉस कर रहा है ये, 600 किलो नहीं हुआ भाई ये। इधर से इधर से भाई, तुम गाड़ी तो लेके आ गए, इसमें करेंगे शिफ्टिंग? शिफ्टिंग इसमें होगी क्या? ओ शिफ्टिंग इसमें होगी भाई, तो वो मतलब कि गाड़ी लेकर आए तुम शिफ्टिंग वाली? गाड़ी तो यार तुमने बोला था ना लेने के लिए, क्या हुआ गाड़ी का सीन? हाँ तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ सीन, इसमें करेंगे शिफ्टिंग? ओ रियली तू कहाँ से लेके भाई तू? भाई मैंने करा ना कोई शिफ्टिंग। अब भाई इसमें भाई ये शिफ्टिंग के लिए थोड़ा नहीं लिया गाड़ी। गाड़ी भाई हम लेने वाले थे रेंट पे, और फिर गाड़ी को रेंट पे लेकर ना हम करने वाले थे उस पर शिफ्टिंग यार, लेकिन ना अभी ना हमें रेंट पे नहीं मिल पाई है गाड़ी, तो भाई गाड़ी ना हमें अपनी ऑडी पे करनी पड़ेगी।
करते हैं यार, अभी क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है। स्टार्ट करते हैं यार, शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीमा करनी पड़ेगी क्या यार फिर? भाई सीन हो गया बिना मतलब के यार, आज मत खराब है बस सुबह से। गाड़ी नहीं मिली? गाड़ी कहाँ यार, ना गाड़ी ना ट्रक, कुछ नहीं मिल रहा है। टाइम वेस्ट है जापान में यार, लग गए यार, मत खराब हो रखा है यार नवीन, बस क्या बताऊँ मैं। चलो फिर इसी में करते फिर स्टार्ट। अब मेरा बिल्कुल नहीं है यार कराने के लिए, सही बताऊँ तो। अब करवानी तो पड़ेगी यार, करानी क्या पड़ेगी यार, क्या कर सकते यार कोई। चलो भाई फिर भाई? इसी में ही सामान भरना शुरू करते, इसी में भरना पड़ेगा फिर सामान। लग गए लेटा के मैं डाल, खड़े में ऐसे जाएंगे तो चारों आ जाएंगे लाइन से। हाँ ये भी बेस को उस साइड घुमा, ये साइड कोई से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो यार। भैया ने बैग वाली जगह पे कभी काम नहीं करा ना। हाँ ये बोल रहे हैं, हम तो लेके जाना पड़ेगा। तूने भी नहीं करा काम? क्या काम? बैग, बैग वाली जगह पर नीचे लेटा इसको। ओए क्या सामान है? और तो काफी यार सामान तो लिख रहा है। चलो चलो एक बार अंदर चल ना तू। आ जाओ यार, एक एक और राउंड मार के लेके आते सामान, चलते हैं। अरे खा ले भाई मिठाई यार, खुश सुबह कुछ खाकर नहीं आए? चलो कोई नहीं, खा लो फिर। चलो फिर भाई, चलो भाई एक काम करो भाई, इसके ऊपर ना इसको डाल लोगे? मैं वो पकड़ लूंगा, मतलब कि स्पीकर देखो ना ऐसे प्रेस करो। हाँ अब स्पीकर के ऊपर इसको वैसे कर लोगे? कर लोगे, चलो ठीक है। चलो ले लेना। हाँ तो इसको भी रख दो किसके ऊपर, क्योंकि ये जो बंदा डब्बा पकड़ेगा ना वो बंदा मतलब और कुछ नहीं पकड़ सकता, दो हाथ से डब्बे पकड़ पाएगा। तो चलो फिर आप, मुझे बस दो मिनट दे दो। मार्केट ओपन होगी क्या? बस यहाँ रखते, इधर भी मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और इधर तो है ही, देख रहे हो आप पीछे तक भाई भरी पड़ी है गाड़ी है। हमें भाई लगता था कि ना ऑडी के अंदर मतलब बहुत सारे सामान आ जाएगा, लेकिन सामान कम आता है। नहीं हाँ यार, सामान रखने के लिए थोड़ा ना होती है ऑडी, ये तो है, ये तो है। ऑडी तो यार गेड़े के लिए होती है, गेड़े। तो भाई यार आज यार हमें शिफ्टिंग करनी पड़ रही है भाई ऑडी के अंदर, लेकिन चलो कोई नहीं, नया घर दिखाता हूँ आपको, लेके चलते नए वाले घर पे। और यहाँ से यार टाइम लग रहा है पूरे मतलब 12:08 पे पहुंचेंगे, और अभी टाइम हो रहा है भाई 10:15 हो गए, तो मतलब मोटा मोटा 1-2 घंटा लग रहा है यार, 2 घंटा लग रहा है भाई घर तक जाते हुए। तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको ना नया वाला घर किधर की तरफ है, कैसी जगह पे है। चलो भाई फिर, इतना सामान ओवरलोड है कि भाई मेरे को तो फील हो ही रहा है, शोभित भी बता रहा है कि गाड़ी बहुत दब के चल रही है। गाड़ी नहीं, मजा आ रहा है चलाने में, जैसे कि आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, आज टायर ऐसे कर रहे हैं कि चल रहा है गाड़ी। गाड़ी का पिकअप जो मतलब कि जो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो फीलिंग इसमें 5-4 आदमी बैठने के बाद ही आती है, तो मैंने देख चुका भाई। हां पीछे से उठ के चलती है, मतलब कि आगे पीछे से दब के और आगे से उठ के चलती है। तो भाई जा रहे हैं यार, और हाईवे पे हैं, तब तक आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई जापान की लग्जरी कार्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी, आगे कौन सी है, पोर्शे। ओ सेक्सी है भाई, अपनी भी कम है क्या भाई? आप अगली गाड़ी भाई कौन सी लेनी है बताओ भाई, कमेंट्स में बताना भाई गाइस, अगली गाड़ी आपको कौन सी लेनी है इनमें से, मतलब आपको कौन सी गाड़ी देखनी है, हम वही गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे अगली बार। ये देखो भाई गाड़ी देखो आप, क्या बात है भाई। अरे क्या बात है, सारी भाई लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, आपने नोट की हो बात। अच्छा भाई हम लोग आ गए हैं अभी, तो यार हम लोग आ गए हैं अभी 5 किलोमीटर दूर मेरे घर से,
और यार पता है यहाँ पे ना रास्ता इतने खराब थे, मतलब कि थोड़ी नेविगेशन की भी दिक्कत थी, उसके अलावा कभी रास्ता इधर बताया तो उधर मुड़ जाए, मतलब क्या क्या दिक्कत है यार। भाई जंगल में उतार दिया नवीन भाई को नवीन की कंपनी ने। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब कि जगह बढ़िया, एक बार आप ही देख के बताओ भाई, जंगल है बाद में दिखा देंगे, बट भाई बिल्कुल ना एक कोने में उतार दिया पहाड़ों के बीच में। हाँ यार पहाड़ तो है भाई यहाँ पे, पहाड़ है मतलब अच्छा है नेचर वाइज, मतलब कि नेचर काफी नेचर, नेचर लवर बंदे होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी है जगह। यहाँ से आपको माउंट फूजी दिख सकते हो डेली, जापान का जो सबसे फेमस क्या माउंटेन है, माउंटेन है यहाँ पे, एक्टिव वोल्केनो भी बोल सकते हो। तो भाई अभी आ गए हैं हम यहाँ पे, तो दिखाता हूँ यार और कितना दूर है, 5 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, देखते हैं टाइम कितना लगता है। और बाइक्स देखो अब यहाँ पे कैसे निंजा खड़ी है, निंजा भाई इधर खेत देखो यार तुम। भाई अगली वीडियो आपको खेत की आने वाली है अभी, अब कौन सी फार्मिंग की आने वाली है, कौन से खेत कौन सी पता लगने वाली है अभी। अब यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, इधर देखो भाई कितने खेत है यार, भाई मेरा घर वैसे आने वाला है। भाई यार यहाँ पे ना शिफ्टिंग मैंने 2-3 महीने के लिए करी है, क्योंकि यहाँ पे मेरी कंपनी का मतलब की वो होने वाला है यार, मेरी यहाँ पे जॉब लगी है ना भाई, काला पानी की सजा दी है। तो यार जहाँ पे मेरी जॉब लगी ना उस वाली कंपनी का ना मेरा 3 मंथ्स का ना यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, तो यहाँ से कंपनी पास में तो उन्होंने घर यहाँ पे दिया मेरे को यार, ये था सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में। इधर देखो यार आगे से चल के और थोड़ी आगे, अभी मैं भी यहाँ पे रहूँ। ये तो यार ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन चलो कोई नहीं यार, ये इधर देखो भाई पहाड़ों वाली सड़कें हैं बिल्कुल। अपना लोकल लोकल जापान जिसको बोलेंगे ना लोकल जापान, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ भाई ये यार ये पूरा ना रूरल और लोकल जापान है भाई पूरा, यार इससे भी ज्यादा लोकल होगा बट इस वाली एरिया में बोल सकते हो, टोक्यो के आसपास में। हाँ टोक्यो के आसपास में, टोक्यो के आसपास में ये यार बहुत। तो भाई 3 घंटे की राइड के बाद भाई पहुंच गए हैं घर, पहुंच ही गए भाई 3 घंटे की राइड के बाद। भाई इधर है भाई घर अपना, उधर बोरी भाई बालकनी वो वाला घर है। हाँ तो यार सामान फिर करते हैं स्टार्ट, करते हैं फिर उतारते है ना, तो लेबर आने वाली हमारी। हाँ क्या लेबर आने वाली, लेबर अभी तक नहीं पहुंची। तो भाई ये है यार अपना नया घर देखो, है ना बढ़िया। तो भाई यार मैंने आपको हाउस टूर का वीडियो ना नेक्स्ट हाउस का टूर ना आपको ना मैंने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब तक आप हमारी मतलब कि शिफ्टिंग की वीडियो देखो, तब तक आप हमारी शिफ्टिंग की वीडियो देखो यार, कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे भाई हम ऑडी में लेकर आए पूरा सामान एक बार में वो भी। तो भाई शोभित और मैंने ना यहाँ पे देखो सारा सामान ना इधर करवा दिया, शोभित भाई ने हेल्प करी है, इधर सामान आ गया सारा अपना। और यार अभी ना इतने थक गए ना भाई क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थक गए यार। एक तो भाई गाड़ी नहीं मिली तो सारा सामान मतलब कि अभी एक दो चीज़ें रह रही है पुराने वाले घर पे, लेकिन वो वाली जो सारी चीज़ें हैं ना वो हम भिजवाएंगे किससे यार, मतलब कि जो होली डिलीवरी सर्विसेज होती है ना वो वाले वो बंदे लेके आएंगे, क्योंकि एक दो सामान छूट गया था। उसके अलावा ना बाकी सारा सामान हम ले आए हैं, इधर की तरफ देखो यार सब कुछ आ गया बाकी। तो भाई थक गए यार आज बहुत ज़्यादा। तो भाई मेरे घर की ना पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारा सामान घर पे आ चुका है, और इधर देखो भाई सब ने हेल्प करवाई है। हाँ भाई आज का भाई बहुत थकावट हो गई, अभी हमें खाना है खाना। हाँ तो यार अभी ना खाना खाने चल रहे हैं, शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगली वाली वीडियो में ना मैं आपको दिखाऊंगा मेरा घर कैसा दिखता है, और भाई क्या क्या है मेरे घर के पास में, सब चीज़ें दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले ना आज चलते हैं खाना खाने के लिए कुछ इंडियन रेस्टोरेंट में। तो भाई हम जा रहे हैं अभी ना इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और इधर देखो यार खेत आप क्या
ऐसा ही खेत है यार। भाई मजा आ रहा है इस वाली जगह पे आके? क्यों नहीं भाई, मजा तो आएगा ही ना। भैया को तो पंजाब की याद आ गई। भैया दिखा तो दे भैया को। भैया फिर पंजाब ये बातें करने। तो भाई बहुत रॉन्ग वे लिए यार हम लोगों ने, बहुत मतलब नई जगह है ना तो बिल्कुल दिमाग जन्ना आ रहा था भाई का। नहीं काफी जद्दोजहद के बाद भाई आखिरकार हम पहुंचे गए। कहां पे पहुंचे हैं भाई? इस वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है। चलते अंदर कुछ खाते हैं और फिर थकावट दूर करते हैं अपनी यार। तो भाई खाना कर दिया हमने ऑर्डर इंडियन रेस्टोरेंट वाले के बाद। ये देखो यार ये था मेन्यू उसका। हमने मंगवाया सी सेट भाई तीन बंदों ने, और शिव भाई खाएंगे सैलेड। शिव भाई खाएंगे सैलेड विद चाय। सैलेड विद चाय। सैलेड विद चाय। तो भाई वेट कर रहे हैं बस खाने का। खाना आता है फिर दिखाते हैं आपको कैसा खाना है यहाँ पे। भाई इधर आ गया अपना खाना। और भाई मैंने लिया दाल की सब्जी। इधर लिया भाई ने दाल और छोले, और इधर भी भाई ने भी दाल और छोले, और भाई मैंने भी लिए दाल और छोले। तो भाई अपना आ गया इधर खाना, तो खाना करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो भाई अभी हम आ गए हैं यार खाना खा के बाहर। ये रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट का नाम है भाई महात्मा। और सीरियसली यार खाना ना बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही अच्छा। कैसा लगा भाई? एक नंबर। मैं तो बोलूँगा जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना आसपास में खाना खावा में फोन अच्छी के आसपास में, आप चेक इट आउट दिस रेस्टोरेंट। बढ़िया था ना भाई खाना? यार बहुत बढ़िया बनाया था बंदे ने। सच में बनता था सबसे बड़ी बात है। क्या कलकत्ता का बंदा सबसे बड़ी बात है, तेरी जान पहचान हो गई, उससे बढ़िया क्या है। हाँ तो भाई मतलब कि बंदा भी बहुत अच्छा था, अंदर सर्विस भी बहुत अच्छी दी है, और खाना तो था ही बहुत अच्छा। तो यार यहाँ पे ना एक कोशी मेरी शिफ्टिंग होती है कंप्लीट। तो यार इस वाली वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप आपको ना वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और लाइक कर देना यार वीडियो को, लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, और यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो जापान में रहते हैं या जापान आने वाले हैं। मिलता हूँ यार आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।